तो हम सबसे बड़ी बात है, मतलब मैं शायद आज रात को कुछ एक किताब पढ़ रही थी उसमें भी था, और ये बहुत कॉमन सी बात है कि टाइम चेंज होगा तो मैं भी तो चेंज होने की कैपेसिटी रखता हूँ या रखती हूँ, तो समय के साथ आप भी तो चेंज हो सकते हैं, माइंड भी तो आप खुद का चेंज कर सकते हैं, हमेशा सेम थोड़ी रहता है इंसान। तो कुछ हो भी गया यदि, या कुछ चीजें अब तक नहीं हो पाई तो ऐसी हजार चीजें जो हो पाएंगी, अगर 36 चीजें नहीं हो पाई तो 46 चीजें होंगी जो हो पाएंगी। तो जज करना बंद कीजिए और सही डायरेक्शन देखिए, अपनी डायरेक्शन कहाँ लेके जानी है। बहुत ज्यादा लोगों से ना तो खुद को जज करवाइए, ना खुद को बहुत ज्यादा जज करिए, ओवर एनालाइज मत कीजिए, रीजनिंग के थ्रू ओवर थिंकिंग को किल करने की कोशिश कीजिए कि बेवजह की तो तर्क में नहीं उलझ रहे हैं आप। काम करने की वजह, कई बार क्या होता है, हम एक्शन पे हमारा कोई फोकस नहीं है, अगर हमें 6 घंटे पढ़ना था वहां उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी दुनिया की हमने टेंशन ली हुई है कि फलाने रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये क्या कहता है मेरे बारे में, यहाँ इंटरनेट पे क्या हो गया, इंस्टाग्राम पे किसने कौन सी फोटो डाल दी, फेसबुक पे ग्रुप में किसने क्या कह दिया, अरे ये तो धर्म की लड़ाई चल रही है, मुझे तो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, रोटी नहीं मिलेगी जब तो सारा धर्म भूल जाओगे।